Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. तो आज हम बात करेंगे इंडियन फिशेज के बारे में और आज हम चलेंगे और पकड़ेंगे थोड़ी सी इंडियन फिश स्पीशीज जो कि हम एक्वेरियम में रख सकते हैं. हमें इंडियन फिशेज एक्वेरियम में क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत सुंदर होती हैं. They are indigenous fishes, इंडियन स्पीशीज हैं वो और वो बाहर देश की मछलियाँ नहीं हैं. So that's why we should always look for it. जिन लोगों ने aquariums रखे हैं उनको काफी इंटरेस्ट होगा ये जानने में, पर जिनका कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है फिशेज से, आज उनको एक नई चीज पता लगेगी. तो जब भी हम aquarium फिशेज को देखते हैं हर कोई बोलता है कि ये imported है, पर जितनी भी aquarium फिशेज आप देखते हो aquarium shops में, उसमें से 70% तक इंडियन होती है. जनरली ये लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसी वजह से अभी मैं गया था जब छत्तीसगढ़. आई वॉज देयर एंड आई वॉज ट्राइंग टू फिश देम आउट. मैंने वहां पर फिश मार्केट में काफी ऐसी फिशेस देखी जिनको एक्वेरियम ट्रेड में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, और उसमें दो तीन तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी थी. तो आज हम फिशिंग करने वाले हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मछली दिखेगी, क्या फिश हमें मिल सकती है. हाँ, हम उसको पकड़ के वापस छोड़ देंगे, पर हाँ ये इनको हम क्यों पकड़ रहे हैं? जस्ट टू हैव अ लुक एट देम, बस उनको देखने के लिए. वो वैसे भी किलो के भाव लोग बेच रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी नॉट किलिंग एनीबॉडी, सो यस लेट्स गो. सो एज यू कैन सी, ये फॉक्स टेल बोलते हैं हम इसको एक्वेरियम में ना, और ये इतने छोटे छोटे मिलते हैं और हम इनको एक्वेरियम्स में लगाते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है. और अब मैं दिखाता हूँ आपको जब वाइल्ड में ये होते हैं तो वाइल्ड में इनका साइज किया जा सकता है. लेट मी जूम आउट, यू कैन सी ये हम लगाते हैं घर में और ये है इसका एक्चुअल बढ़िया साइज. ये एकदम प्लांट मैच्योर है, आप इसको देख सकते हो, इस पर फूल भी आया हुआ है. असल में फॉक्स टेल पे भी फूल आता है और दिस इज रेड समथिंग. आई विल राइट इट अभी ऑन द स्क्रीन, पर इसको हम लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. आई एम टेकिंग दिस फॉर माय एक्वेरियम बाय द वे. एक्वेरियम में डाल के देखते हैं, अच्छा लगेगा. और ये काफ़ी अच्छे साइज का है, तो ये इतना भारी है कि ये टूट जाएगा. इट्स वेरी बिग. और ये जगह इनसे भरी हुई है, अगर आप देखोगे तो ये हर जगह है यहाँ पर. मैंने यहाँ पर काफ़ी फिशेज ऐसे दूर से देखी थी, तो आई थॉट कि हमें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए. आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग वाइल हमें फाइनली एक फिश आई हमारे हाथ में, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डॉटेड बार्ब या ब्लैक स्पॉटेड बार्ब भी उसको बोला जाता है. एक्वेरियम में काफ़ी ज़्यादा, एक्वेरियम्स में काफ़ी कॉमनली इसको रखा जाता है. स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम्स जो लोग रखते हैं वो इस फिश को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ी सुंदर होती है देखने में ना. तो हम जा रहे थे एक ब्रिज के ऊपर से, और ब्रिज के नीचे मैंने एक स्नेक हेड देखी जो कि बहुत ही सुंदर थी. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिशेज है इंडिया में जो खाई जाती है. हिंदी में हम उसे सोल बोलते हैं, सोली बोलते हैं, और भी काफी सारे नामों से उसको जाना जाता है. उसको हम बोलते हैं गोल्डन लाइन्ड स्नेक हेड. नॉट वेरी फेमस, पर बहुत सुंदर होती है वो. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम उसको पकड़ सकें, पर वो हाथ में नहीं आई और इंस्टेड कुछ अलग ही हो गया वहाँ पर. बड़ी सुंदर है यार. हिला हिला हिला, बहुत सही हिला था.
अरे नहीं खाना भाई उसको। अरे ये कहाँ से आ गए भाई यहाँ पे? खाने दो इसको भैया, पूरा पूरा जब खा दे भागा, छोड़ ले लो नीचा में, बस छोड़ दे छोड़ दे, जैसा है वैसे ही रहने दे, पूरा खाने में। पफर का तो मेन खाना ही होता है ना, इस वजह से मजा से खा रहा है। एक पफर फिश आई पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लूज और उसने वो चारा खाना शुरू कर दिया एंड इट वाज जस्ट ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए तो बड़ा है, पर ये नहीं, ये हुक बड़ा है इसके लिए ना, ये मजे लेता है बस। नहीं नहीं खा रही है भाई वो, इसमें इसमें प्रॉपर दिख रहा है, हल्की सी खींच। पिछले कुछ टाइम में फ्लोरिडा गार, एलिगेटर गार बहुत फेमस हो गई, लोगों ने उनको खरीद लिया, छोटे छोटे एक्वेरियम्स अपने 2 फुट 3 फुट के एक्वेरियम्स में उनको रखना चाहा, पर वो अक्सर 2-3 सालों में ही इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि लोग फिर उनको फ्री में भी देना चाहते हैं पर कोई लेता नहीं है, क्योंकि उनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दे नीड बिगर टैंक्स, बहुत बड़े बड़े टैंक्स उनको चाहिए होते हैं, पर लोग सोचते हैं कि छोटे से में रख लेंगे जब तक रखेंगे, फिर वो बड़ी हो जाती हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। अगर एलिगेटर गार को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, अमेरिकन एलिगेटर गार को यहाँ पर इंडिया में छोड़ देंगे, तो वो इंडियन वाइल्ड लाइफ की माँ बहन कर देगी, वो सब कुछ खा जाएगी, वो टर्टल्स खा जाएगी, बर्ड्स खा जाएगी, और इंडियन फिशेज जो हैं नेटिव उनको भी मार देगी। तो इसलिए कभी भी हम बाहर की स्पीशीज को अपने देश की वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आपको पालना है तो उनको घर पे रखो, पर प्लीज उनको रिलीज मत करो किसी भी नदियों और तालाबों में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। अगर आपको गार पालने का इतना शौक है और आपको पसंद है उनके ना लंबे ऐसे मुंह, तो यू कैन गो फॉर इंडियन गार। सारे लोगों को पता नहीं होता हमारे इंडिया में भी गार मिलती है, इंडियन गार। ये गार मैंने यहाँ पर आसपास अभी यहाँ पर जिनकी वो बाइक खड़ी हुई है वहाँ पर उनसे ली है। वो फिशरमैन है, मतलब वो मछुआरे हैं यहाँ के, और लोगों को लगता है कि सिर्फ गार फिश जो होती है वो बाहर ही मिलती है, वो सिर्फ कैलिफोर्नियन गार और वही सब गार्स होती हैं, पर ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी गार मिलती है। और ये पालने लायक ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर नीचे इनका इतना बड़ा झुंड है, आई विश मेरा कैमरा उसको कैप्चर कर पाता, पर बहुत सारी मछलियों के बच्चे ने ऐसे ऐसे एक लाख मछलियाँ होंगी नीचे। लोगों को पता ही नहीं होता इंडिया में भी गार मिलती हैं, पर ये बहुत कॉमन फिश होती है जो कि लोग खाते हैं मछलियाँ। इसको कौवल बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, और भी एक दो नाम इसको, थोड़े अजीब से नाम है, आई रियली फॉरगॉट, पर पीपल डू रियली कीप दैट। और मैंने भी ये पाली है, मेरे पास ये 8-9 महीने के लिए रही थी, बहुत अच्छे से 8-9 महीने इसने इन्जॉय किया था, पर फिर मेरी रेड टेल कैटफिश ने उसको खा लिया था। तो आई रेड टेल कैटफिश आधी बड़ी थी और इतनी बड़ी इंडियन गार थी, और उसकी इतनी बड़ी रेड टेल कैटफिश थी और उसने उसको खा लिया। इट वॉज एन एक्सीडेंट, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े जीव को भी खा सकती है। सो या यू गाइज कैन गो फॉर इंडियन गार, दे लुक वेरी ब्यूटिफुल, थोड़ी सी अलग लगती हैं, और जब वो खा रही होती हैं दे लुक अमेजिंग। वहाँ पर वो ग्रुप्स में थी, 100-150 का ग्रुप तो वो होगा, और इट वॉज लुकिंग वेरी गुड। मेरा कैमरा प्रॉपर एकदम फिश फिल्मिंग के लिए नहीं था, पर आई ट्राइड उनको थोड़ा सा कैप्चर करने में। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक गार ने एक शिकार भी किया, उसने एक बार्ब को पकड़ा, आई एम नॉट श्योर वो कौन सा बार्ब था, पर वो ऐसे पकड़ के लेकर उसको घूम रही थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अगर एक्वेरियम में आप पालना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इंडियन गार्स, डोंट लुक फॉर एनी अदर एग्जॉटिक फिशेज। Cook.